आइए अब बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, जो कि भोपाल पहुंचे हुए थे। दरअसल आपको बता दें कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होने के लिए भोपाल पहुंचे थे, जो बैठक खत्म हो गई है। राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल में ये बैठक हुई, जिसमें मुद्दे थे नक्सलवाद, आतंकवाद, किसान कल्याण, महिलाओं और बच्चों पर अपराध, अनाज वितरण और साइबर अपराध। इस पर चर्चा हुई है बैठक में। परिषद की ये 23वीं बैठक थी। बैठक में मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मौजूद रहे, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअली जुड़े। इधर यदि इस परिषद की बैठक के दौरान गृहमंत्री अमित शाह की बात करें, तो उन्होंने कई सौगातें भी मध्य प्रदेश को दी है, वहीं छत्तीसगढ़ के कई प्रस्तावों को भी माना है। आपको बता दें कि भोपाल में हुई 23वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ को कई सौगातें मिली। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रस्ताव पर गृहमंत्री अमित शाह ने सहमति दी। सहमति मिलने के बाद वो रायपुर एयरपोर्ट को अब कार्गो हब बनाया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार कोदो कुटकी का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने जा रही है, जिससे इसका उत्पादन कर रहे किसानों को फायदा होगा। गौधन न्याय योजना के तहत निर्मित वर्मी कंपोस्ट को रासायनिक खाद की तर्ज पर न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। एक तरह से मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ छाया रहा। 19 एजेंडों में से 8 एजेंडे छत्तीसगढ़ द्वारा सुझाए गए थे। इसके अलावा मध्य प्रदेश शासन के 3, यूपी के 1 और उत्तराखंड के 2 एजेंडों पर चर्चा हुई है। राजधानी भोपाल में 23वीं परिषद की 23वीं बैठक में